आज पढ़ते हैं हम लोग औसत में अगला पार्ट क्रिकेट मैच पर आधारित है। इसमें कई वैरायटी का क्वेश्चन आता है, तो पहले हम पहला वैरायटी का क्वेश्चन लिखेंगे। लिखिएगा, हेडिंग बना लीजिए क्रिकेट मैच पर आधारित प्रश्न, वो भी औसत में। लिखिए, एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में अपनी सत्रहवीं पारी में पचासी रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत 3 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो बताइए 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा, लगाइए जरा। चलिए जानते हैं, इसको हम लगाएंगे इसको नेट से ही, क्लियर, बेसिक उसी से लगाएंगे। मान लेते ये नंबर है, ये एवरेज है, ये टोटल है। अब यहाँ नंबर की बात की जाए तो पारी, क्या पारी। अब देखिए बल्लेबाज जो है कौन सी पारी में रन बनाया है, 17वीं पारी में बनाया है। इसका मतलब 16वीं पारी तक उनका कुछ औसत रहा होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जितनी पारी बोला जाए उससे पिछला उनका कुछ औसत रहा होगा। मान लिया जाए कि अब 16वीं पारी में बल्लेबाज के रनों का औसत यक्ष रहा होगा, इतना यक्ष रहा होगा। अब आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल कितना होगा, तो 16x। अभी कहने का मतलब, जैसे उनके 5 पारियों का औसत रन 75 है, हम कहेंगे उनका कुल रन कितना है, गुणा कर देंगे 375 आया ना। अब किस 5 पारी में किसी में 80 रहा होगा, किसी में 90 रहा होगा, किसी में 120 रहा होगा, किसी में 0 रहा होगा, औसत बताया गया है। ऐसे यहां मान लिया गया कि 16वीं पारी तक उनका औसत रन क्या था, एक्स था, तो कुल रन कितना हो गया 16x। इसके बाद इनको बोला गया कि 17वीं पारी में, और 17वीं पारी में कितना रन बनाते हैं, छोड़ दीजिए अभी, 85 रन बनाए हैं। जैसे उन्होंने 85 रन बनाया, उनके रनों का औसत क्या हो गया, बड़े, कितना बढ़ा, 3 रन। पहले x था, अब कितना हो गया, 3x, नहीं x प्लस 3, 3x तिगुना हो जाएगा 3। जैसे कहने का मतलब, अगर पहले इनका 30 रहा होगा तो अब 33 होगा, लेकिन यही हमको पता नहीं है कि पहले क्या था। ठीक, अब हो गया जितना x प्लस 3, टोटल निकालेंगे तो गुणा करेंगे, तो 17 का गुणा x में हुआ तो 17x, और 3 में हुआ तो 17 51। याद रखिएगा, अगर रनों में औसत रन में कमी होगी क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे, बढ़ रहा है इसलिए प्लस, और कमी हो रही तो माइनस करेंगे, कमी हो जाती, तो यहाँ क्या करते हैं, माइनस कर देते। चलिए समझिए, अब देखिए कौन सी पारी में बनाया है, 17वीं। अब जरा आप बताइए कि अगर हमको कहा जाए कि किसी खिलाड़ी का, जैसे मान लिया जाए कि MS धोनी के 9 पारियों का औसत रन 70 है, 9 पारियों का औसत रन 70 है, जबकि 10 पारियों का, या
हाँ चलिए, 10 पारियों का औसत रन 75 है, कितना? मैं कहूँ उन्होंने 10वीं पारी में कितना रन बनाया, औसत रन की वृद्धि हुई बात अलग, मैं बोलूं कि 9 पारी में उनका औसत रन 70 था, 10 पारी में उनका औसत रन 75 हो गया, तो उन्होंने 10वीं पारी में कितना रन बनाया, तो कहेंगे पहले हम गुणा कर लें 630, यहाँ गुणा करेंगे 750, कितना रन बढ़ा उनका, 630 से 750 हुआ 80 रन, इसका मतलब उन्होंने 10वीं पारी में 80 रन बनाया था। अब ये 80 रन आया कहाँ से, हम घटाएं 10वीं पारी से 9वीं पारी को घटाया, वैसे ही यहाँ हम रन निकालने के लिए घटा देंगे, और घटाते क्यों हैं, क्योंकि रन दिया है 85 रन दिया है, अब देखिए कौन सा ज्यादा, ये ज्यादा है ना, इसी में से घटा दीजिए, हम कहेंगे 17x प्लस 51 माइनस 16x, तो ये 17वीं पारी का रन आएगा, और 17वीं पारी में कितना रन बनाए हैं, 85। क्लियर? अब कह दिया जाए कि इसको सॉल्व करिए, 17x से 16x गया, यस, ये प्लस 51 उधर गया, हम कहेंगे 85 माइनस 51 तो बराबर कितना आएगा, 34, यक्स बराबर। अब ये यक्स क्या आपने माना है, 16वीं पारी का औसत रन, 16वीं पारी का औसत रन, तो हम कह सकते हैं कि 16वीं पारी तक जो औसत रन था वो 34, लेकिन प्रश्न में क्या पूछा है, 17वीं पारी के बाद, तो हम कहेंगे 17वीं पारी के बाद, 17वीं पारी के बाद औसत रन 34 कितना है, x प्लस 3, क्योंकि 3 रन बढ़ रहा था, कितना हो जाएगा 37 रन, तो इसका आंसर हो जाएगा 37, 17वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत 37 रन प्रति पारी, नोट कर लीजिए इसको। चलिए इसी को हम शॉर्ट तरीके से जानते हैं, और उसको याद रखना है, अगर उसको याद रखते हैं विद इन सेकेंड लगाएंगे हम, याद क्या रखना है, हम कहेंगे नया औसत बराबर, नया औसत बराबर, अब वही जो पारी के बाद बोले 17वीं पारी 19वीं पारी 50वीं पारी जो भी पारी बोले, ठीक, हम कहेंगे रन, ध्यान समझिएगा इसको, इसके बाद हम लिखेंगे माइनस प्लस, रीजन है लिखने का, इसके बाद ब्रैकेट में यन माइनस वन बाहर गुणे के, ये है आपका फार्मूला, ठीक। अब इधर देखिए यन क्या है, नंबर ऑफ पारी इनिंग, यानी पारियों की संख्या, पारियों की संख्या, के क्या है, औसत रन में वृद्धि अथवा कमी, औसत रन में वृद्धि अथवा कमी, रन आप लोग समझ रहे हैं कितना रन बनाया गया है। अब एक बात और याद रखना है, क्या, कि अगर औसत रन में वृद्धि हो, क्या औसत रन में वृद्धि, हम कहेंगे वृद्धि के लिए, जरा बताइए क्या, यह उल्टा लेना है, वृद्धि के लिए माइनस, ठीक, और कमी के लिए प्लस, ये दो बातें याद होनी चाहिए, क्लियर, फार्मूला नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब हम लगाते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, इसको मिटा दें, याद रखना है, अब हमको
सत्रहवीं पारी के बाद मतलब नया औसत चाहिए, तो हम कहेंगे नया औसत बराबर बल्लेबाज ने कितना रन बनाया था, 85। क्लियर। अब देखिए उसके औसत रनों में वृद्धि हुई थी कि कमी, वृद्धि हुई थी, तो बताया गया है आपको वृद्धि के लिए माइनस। और कौन सी पारी में, यन पारियों की संख्या कौन सी पारी में, सत्रहवीं, तो माइनस एक। औसत रन में कितने की वृद्धि अथवा कमी हुई थी, तीन की, तो तीन। चलिए हल करते, ये 85 माइनस 17 से क्या 16, 16 दिया 48, तो 85 से 48 घटाया तो क्या बचेगा 37। तो क्या औसत आया 37, यही आया था ना आंसर। ठीक, नोट कर लीजिए, अगला प्रश्न लिखिए। बोले लिखिए, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, 63 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत, जिससे उसके रनों का औसत 2 रन प्रति पारी बढ़ जाता है, 2 रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो बताइए 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा, बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा। कितना आया, 41, सही है, 41 वाले सही है। देखिए बताते हैं, बोला एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, तो रन कितना लिखेंगे 63। और यहां अभी चिन्ह के लिए छोड़ते हैं, पारी है कौन सी 12वीं, तो 12 माइनस एक। ध्यान दीजिएगा, जब 63 रन बनाता है तो उसके रनों के औसत में 2 रन प्रति पारी की क्या हो जाती है, वृद्धि। आप बताइए वृद्धि के लिए क्या लिखेंगे, माइनस, और कितने की वृद्धि होती है 2 की, ये हो जाएगा 63 माइनस कितना आएगा 11 गुणे 2, तो 63 माइनस 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 41, यानी 41। क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। लिखिएगा अगला प्रश्न, लिखिए एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में, एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में 0 पर आउट हो जाता है, जिससे उसके औसत रन में 2 रन प्रति पारी की कमी हो जाती है, प्रति पारी की कमी हो जाती है। तो बताइए
पच्चीसवीं पारी के बाद, पच्चीसवीं पारी के बाद बल्लेबाज के रनों का औसत क्या होगा? जरा बताइएगा। कैसे देखिए, इधर देखिए, चलिए ठीक है, जो भी है बोला है। एक बल्लेबाज अपनी 25वीं पारी में शून्य रन पर आउट हो जाता है, तो रन कितना बनाया उसने? शून्य। अब पारी कौन सी है 25वीं? ठीक, पारी कौन सी है 25वीं? तो माइनस एक फार्मूले से। और कितने रन प्रति पारी की कमी होती है? दो। तो दो रन प्रति पारी की कमी। अब आपको बताया गया है कि यदि कमी होती है तो यहाँ क्या लेंगे? प्लस लेंगे। चलिए ये जीरो खत्म। तो 24 से गया, 25 से गया 24, 24 बुढ़े दो बराबर 48। उसका नया औसत क्या हो गया? 48। क्लियर है? लिखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिखिएगा। एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 45 रन बनाता है। ठीक, 45 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत, जिससे उसके रनों का औसत एक रन प्रति पारी बढ़ जाता है, एक रन प्रति पारी बढ़ जाता है। तो बताइए 15वीं पारी के पहले, 15वीं पारी के पहले बल्लेबाज के रनों का औसत क्या था? चलिए जानते हैं। देखिए इसको हम कई तरीके से लगा सकते हैं। तो पहले क्या करें, हम नया औसत निकाल लेते हैं। पहले समझिएगा इसको, हम नया औसत निकालेंगे तो कितना रन बनाया है? 45। कौन सी पारी में? 15वीं। कितने रन की वृद्धि हो रही है? एक। और वृद्धि हो रही थी कौन सा चिन्ह? माइनस। ये 45 कितना आएगा? 14 का घटाया कितना आया? 21। ये तो नया औसत आया। अब देखिए जो पारी के पहले वाला अगर पूछता है, मतलब पुराना औसत, क्या पुराना औसत, तो क्या करेंगे? देख लेते कि उसके औसत रन में कितने रन की वृद्धि हुई है। एक रन प्रति पारी, ध्यान समझिएगा, कितने की वृद्धि हुई है? एक रन प्रति पारी। जितने की वृद्धि हुई है इसमें से उतना घटा देंगे, 30 आया। क्या आया? अगर कहता एक रन प्रति पारी की दर से कमी हुई है तो क्या करते, यहां पर एक जोड़ देते। अब यही एक दो तीन कुछ भी हो सकता है, जितना इसके पहले हुआ रहेगा वृद्धि होगा तो यहां घटा देंगे,
और कमी होगा तो जोड़ देंगे। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट फार्मूला इसी का बनाना हो, पुराना औसत, तो हम क्या करेंगे, यहाँ नया औसत के स्थान पर हम लिखेंगे पुराना औसत, पुराना औसत। बस क्या करेंगे, यहां से माइनस वन हटा देंगे, हम कर देंगे एन गुणे के, सब कुछ वही कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहां से लगाते हैं इसको, तो हम कहेंगे पुराना औसत बराबर कितना रन बनाया था, 45। अब बताइए वृद्धि हुई थी कि कमी, वृद्धि हुई थी, वृद्धि के लिए कौन सा चिन्ह, माइनस का, क्लियर। और कौन सी पारी, 15। अब बताइए कितने रन की वृद्धि हो रही थी, एक, तो हम कहेंगे 15 गुणे एक, 45 माइनस 15 बराबर 30। तो क्या कहेंगे, पुराना औसत बराबर 30, या 15वीं पारी के पहले उसका औसत क्या था, 30। बाकी हम जाए औसत का अगला पार्ट है अगले क्लास में जानेंगे।